नमाज पढ़ने के लिए क्यों हिंदू लड़की ने मांगी सुरक्षा, कोर्ट ने क्यों सुनाया ऐसा फैसला। उत्तराखंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हाँ, एक लड़की ऐसी है, ना तो उसने किसी मुस्लिम शख्स से शादी की है और ना ही उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है, बावजूद इसके वो कलियर शरीफ के अंदर जाकर नमाज पढ़ना चाहती है। बल्कि इस हिंदू लड़की ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कलियर शरीफ में नमाज पढ़ने की अनुमति भी मांगी है, साथ ही उसने कोर्ट से सुरक्षा की भी मांग की है। वहीं इस मामले में वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई भी हुई, जिसमें कोर्ट ने लड़की को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली ये लड़की हरिद्वार स्थित सिडकुल में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। उसके साथ एक मुस्लिम युवक भी कंपनी में ही नौकरी करता है। लड़की ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि उसका नमाज पढ़ने का मन करता है और वो अपने सहकर्मी के साथ कलियर शरीफ में नमाज पढ़ना चाहती है, लेकिन पिरान कलियर शरीफ में नमाज अदा करने के लिए जब वो जाती है तो कुछ संगठन उसका विरोध करते हैं। इस हिंदू लड़की ने याचिका में इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बताया है। हालांकि मंगलवार को भी याचिका पर सुनवाई हुई थी, बल्कि उत्तराखंड की नैनीताल बेंच ने उसे गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, जिसमें न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायाधीश पंकज पुरोहित की पीठ ने इस पर गुरुवार को सुनवाई भी की। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के लिए भी आदेश दे दिए हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो वो एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर को दे और फिर SHO उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराए। द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान याचिकाकर्ता की वकील शीतल सेलवाल ने बताया कि उन्होंने ये याचिका जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष दायर की थी। सेलवाल ने कहा कि अदालत ने उनके क्लाइंट को पुलिस सुरक्षा देने के लिए प्राण कलियर के थाना प्रभारी को एक आवेदन देने का आदेश भी दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई के लिए मुकर्रर भी की है। इसके साथ साथ सेलवान ने बताया, हरिद्वार में स्थित प्राण कलियर दरगाह एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग धर्मों के लोग आम तौर पर आध्यात्मिक शांति और प्रार्थना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदू लड़की ने दरगाह में नमाज पढ़ने के लिए कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है, इसके हर तरफ चर्चे हो रहे हैं। बल्कि लड़की के मुताबिक उसको कई अलग अलग संगठनों से धमकियां भी मिल रही हैं। इसके लिए उसने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षा दिए जाने की मांग की है, ताकि उसके इस फैसले की वजह से ना तो उसे और ना ही उसके परिवार को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।